आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर राजधानी लखनऊ में बैठक हुई। ये बैठक जेसीपी एलओ उपेंद्र अग्रवाल ने अपनी अगुवाई में की। 22 जनवरी के इस खास आयोजन को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से लखनऊ में कई इंतजाम किए गए और हर चौराहे पर भीड़ एकत्रित न होने के निर्देश दिए गए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले लखनऊ में इसकी तैयारी काफी बढ़ी दिखाई दे रही है। प्रभु श्री राम के कटआउट सभी चौराहे पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही लाउड स्पीकर के माध्यम से राम धनु बजाई जा रही है। 500 सालों के बाद वो शुभ दिन आया है। हम लोग बहुत भाग्यशाली कि हमने इस पीढ़ी में जन्म लिया जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल अयोध्या जाने वाले सभी रास्तों के प्रमुख चौराहों को सजाने का काम कर रहा है। हम लोग बड़े बड़े कटआउट्स लगा रहे हैं, होर्डिंगें लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं। जगह जगह पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल द्वारा पौशाला और भंडारा लगाया जाएगा। LED स्क्रीन लगा करके हम लोग सजीव प्रसारण दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में व्यापारी दिवाली मनाएंगे, होली मनाएंगे। ये वास्तव में बहुत बड़ा दिन आ गया हम लोगों के जीवन में। आज पूरे प्रदेश को, पूरे देश को राममय करने का अवसर है। आदर्श व्यापार मंडल राजधानी से इसकी शुरुआत की है। देशवासियों से क्या अपील करेंगे 22 जनवरी को लेकर? 22 जनवरी को सभी लोग अपने अपने घरों में, सभी व्यापारी दीपक जलाएं, अपनी दुकानों पर दीपक जलाएं, बाजारों को सजाएं, राम धुन बजाएं, राम के भजन बजाएं और उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सभी के लिए पूरी प्रार्थना करेगा। सभी लोग आगे बढ़ करके काम करें और हम लोग जो है राम जी के मस्ती में रंग जाए, राम धुन के साथ हम सब लोग सदाबहार हो जाए। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाने पर भाजपा की शहर विधायिका मुक्ता राजा के साथ इंस्पेक्टर के दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया। मामला इतना गर्मा गया कि बीजेपी कार्यकर्ता थाने में ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान अलीगढ़ शहर विधायिका का साथ देने के लिए कोल विधायक अनिल पराशर, इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी, MLC मानवेंद्र प्रताप सिंह भी पहुंच गए। जनता की समस्याओं को लेकर के मैं यहाँ आई थी, जनप्रतिनिधि हूँ। जनता की समस्या डेली आती रहती है हर थाने की, उनको लेके मुझे यहाँ आना पड़ा। रात में मेरे साथ बदतमीजी का व्यवहार यही हुआ, अपमान हुआ काफी। और ये एज ए विधायक समझिए, अगर विधायक भी नहीं हूँ, क्या एक महिला के साथ इसी तरह की बदतमीजी होगी? मैं नहीं होती, कोई अदर महिला भी होती तो क्या ये इस तरह से बदतमीजी होनी चाहिए? जनता के इतने मामले रहते हैं, मैं 2-4 मामले मैटर इकट्ठी करती हूँ, उसके बाद मैं आती हूँ, ठीक है? तो मैं 2-4 मैटर इकट्ठे करके आई थी आज। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिनको यहाँ होना चाहिए था, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो ये दावा करते हैं कि हम अच्छी पुलिसिंग देकर दिखाएंगे, वह आम जनता से किस प्रकार का व्यवहार करते होंगे यह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को देख लेना चाहिए। खबर यूपी के बलिया से है, जहां रेवती ब्लॉक के तिलापुर गांव में सरयू नदी में क्रूज फंस गया। बताया जा रहा है कि पानी कम होने के चलते क्रूज आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद भी क्रूज बाहर नहीं निकल पाया। आपको बता दें, कोलकाता से 7 जनवरी को यह क्रूज निकला था, जिसे 20 जनवरी को अयोध्या में पहुंचना था। यहाँ PM के हाथों इसका उद्घाटन होना तय है। वाराणसी में सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए कमिश्नर RS गौतम ने पुलिस टीम के साथ पैदल मार्च निकाला। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा यूपी स्थापना दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके को देखते हुए पुलिस सुरक्षा को लेकर काफी अलर्ट दिखाई दे रही है। समस्त रेलवे स्टेशन, विशेष रूप से काशी रेलवे स्टेशन, सिटी रेलवे स्टेशन, कैंट रेलवे स्टेशन, इसके तहत बस स्टैंड और जितने भी भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं, सभी जगह जो है चेकिंग कराई जा रही है, जिसमें BDS की टीम, ASCH टीम, डॉग स्क्वाड और हमारे एडिशनल DCP काशी, ACP कोतवाली व काशी जोन के SHO साहबान और अन्य जो सिविल पुलिस बल है, महिला पुलिस बल है, उनके साथ चेकिंग कराई जा रही है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है या संदिग्ध वस्तु है, उसके द्वारा जो है चेकिंग की जा रही है
और ये लगातार जो है चेकिंग चलती रहेगी, जिससे भी कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति या बागपत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बड़ौत कोतवाली पुलिस ने बिजरोल के जंगलों में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। वही उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने 12 तमंचे, जिंदा कारतूस और हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। साथ ही पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कल रात भी थाना बड़ौत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अभियुक्त शस्त्र बनाने की फैक्ट्री में शस्त्र बना रहे हैं। तत्काल थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। बिजरोल ग्राम के पहले ही एक खंडहर के मकान में वहां पर दबिश दी गई। वहां पर दो अभियुक्त थे, एक अभियुक्त भाग गया कोहरे का फायदा उठाते हुए, एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 12 दर्जन अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखले कारतूस बरामद हुए हैं। शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। पकड़ा गया अभियुक्त कौन है और इसका इतिहास क्या है? पकड़ा गया अभियुक्त इरशाद है, ग्राम दोगट का रहने वाला है और इसके ऊपर 5 से अधिक मुकदमे हैं, जिस पर गैंगस्टर गोवध अधिनियम के मुकदमे हैं और अग्रिम कार्रवाई की गई। ठीक है। बलिया के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के जिला परिषद में मौजूद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देर रात साड़ी की दुकान में आग लग गई। इस दौरान लाखों की साड़ी जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। साहिबाबाद के पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा ने अनाज से भरी गाड़ियों को अयोध्या के लिए रवाना किया है, जहां अयोध्या में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक महीने तक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पंडित अमरपाल शर्मा ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वह अमरनाथ में भी भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं और अब उन्हें अयोध्या में भी भंडारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश में कोने कोने से लोग आए हुए हैं, तो हमारा ये मानना है कि जो लोग देश में, कोई मद्रास से आ रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई गुवाहाटी से आ रहा है, कोई कश्मीर से आ रहा है, उनके रहने की हमारा सबका दायित्व बनता है कि भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा में सबके भोजन की व्यवस्था करी जाए। तो हमने एक महीने के लिए पूरा राशन यहाँ से भेजा है और जहाँ भगवान रामचंद्र जी विराजमान होंगे उसी के कॉर्नर पर हम वहाँ पर भंडारा लगाएंगे। हमारे सभी लोग वहाँ पर सुबह से लेकर रात तक, सब जितने भी वहाँ पे श्रद्धालु आएंगे सबको भोजन खिलाने का काम करेंगे। कितने की लागत में यहाँ से भंडारा लगभग एक महीने का चलेगा और कितना राशन अभी फिलहाल लिया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक लागत की बात आती है, आप जानते हैं कि मैं 27 साल से अमरनाथ यात्रा पे भी भंडारा लगाता हूँ। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में उत्साह का माहौल है। श्री राम मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिम समेत हर वर्ग के लोग में प्रसन्न हैं। वहीं सहारनपुर के जिला कारागार में हत्या के मामले में बंद मुस्लिम बंदी सदरुद्दीन उर्फ सदरू ने भी लकड़ी का मंदिर बनाया है जो मोदी जी को देना चाहते हैं। जहां पूरा देश राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर खुशियां मना रहा है, वहीं जिला कारागार सहारनपुर के अंदर हमें एक नई चीज देखने को मिली है। यहाँ पे सजा काट रहा है बंदी सदरू, जिसने एक राम मंदिर जैसा ही नक्शा बना डाला है, जिसकी पूरी प्रशंसा जेल के कारागार मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति ने भी की है। इस बंदी की इच्छा है कि जब मैं जेल से छूटूं तो ये मंदिर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने हाथों से भेंट करूं। प्राइम टीवी के लिए नजम मंसूरी, सहारनपुर। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना तय है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में दीपावली जैसा माहौल देखा जा सकता है। इसी क्रम में राम मंदिर उद्घाटन से उत्साहित राहत रूह के सुपरवाइजर अनिल ने श्रद्धालुओं को माघ मेले में स्टॉल पर भगवान राम के कैलेंडर का वितरण किया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सभी भारतीय उत्साहित है और उसी को देखते हुए इस बार प्रयागराज के मेले में अयोध्या में स्थापित होने वाले मंदिर के कैलेंडर और भगवान श्री राम के कैलेंडर जो है भक्तों को वितरित किए जा रहे हैं, जिससे लोगों का उत्साह और बढ़े और प्राण प्रतिष्ठा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग ले सकें। ये कंपनी का मेन मोटो रहा।
अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर अयोध्या समेत भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसको देखते हुए महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा समेत रेलवे स्टेशनों पर पुलिस और एसएसबी के जवानों द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही एसएसबी जवानों ने डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टिव के माध्यम से स्टेशनों पर यात्रियों के बैग समेत दुकानदारों, होटलों आदि की जाँच की। ये 22 जनवरी के श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम व 26 जनवरी के दृष्टिगत वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के क्रम में ये जनपद महाराजगंज में रेलवे ट्रैक के आसपास के 2 किलोमीटर के जितने भी आवासित किराएदार हैं, इसके अलावा रेलवे में काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं, उनका सत्यापन किया गया, चेकिंग फ्रिस्किंग की गई। ये कार्यक्रम सिसवा एरिया में, इसके अलावा फरिंदा आनंद नगर क्षेत्र में और नौतनवा क्षेत्र में किया गया, जिसमें जनपद पुलिस के अलावा एसएसबी, जीआरपी की पुलिस और इसके अलावा एलआईयू के कर्मचारी और डॉग स्क्वाड, सारी टीमें यहां मौजूद रही। ये कार्रवाई आगे भी 26 जनवरी तक अनवरत जारी रहेगी और इसके अलावा सभी बॉर्डर इलाके में भी ड्रोन के माध्यम से एसएसबी और पुलिस के द्वारा चेकिंग की गई। राम मंदिर एकता की मिसाल बनता जा रहा है। जहां एक ओर मुस्लिम समुदाय भी 22 जनवरी को दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं अब ईसाई धर्मगुरु भी मंदिर बनने पर बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें, प्रयागराज बिशप हाउस के बिशप पीटर बालदेव ने लोगों को राम मंदिर उद्घाटन की बधाई दी है। लेकिन सब 22 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष में दोपहर 12:20 पर भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जिसमें नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसे लेकर भारतीय राजनीतिक दलों में भले ही मतभेद हो, लेकिन सभी धर्मों के धर्माचार्य इस मुद्दे पर एक हैं और वो लोग भी इस हर्षोल्लास में शामिल होते हुए बधाई देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं बिशप ऑफ डायस के बिशप श्री बलदेव जी। आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे पर इनका क्या मानना है। इस सिलसिले में हम ये कहना चाहेंगे कि यह हमारे सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बहुत ही सराहनीय ये एक कदम है जो लिया गया है। और जिस राम मंदिर को बनाने की पिछले वर्षों से कोशिशें की जा रही थी और सफल नहीं हो रहे थे, मुझे कहते हुए फख्र हो रहा है और मैं अपनी ग्रीटिंग्स देश के प्रधानमंत्री जी को, श्री मोदी जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी को इसके शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपनी डायसिस की तरफ से, अपने समाज की तरफ से, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। और हम ये चाहते हैं कि हमारा ये प्रयास हो कि सारे धर्म मिलकर अपने देश को और सुंदर बनाएं, ताकि पूरे संसार के अंदर हमारे देश का नाम हो सके, हमारा देश का नाम उज्जवल हो सके और हम अपने अच्छे कार्यों के जरिए से हम आगे बढ़ सके और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसी तरीके से सराहनीय कार्य करते रहें। दोनों के कार्य बहुत ही सराहनीय हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, हर एक चीज़ में उनका जो कदम है वो बहुत ही सराहनीय है और हम सराहना करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। मेरा नाम बिशप डॉक्टर पीटर बलदेव है। मैं डायसिस ऑफ लखनऊ का बिशप की हैसियत से कार्यरत हूं और मेरी शुभकामनाएं अपने देश के लिए हैं, अपने प्रदेश के लिए हैं, अपने सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए हैं, उनके पदाधिकारियों के साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे और हम उनके साथ कदम से कदम चलने के लिए आगे के लिए तैयार हैं, ताकि हम सब एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस देश को सुंदर और उज्जवल भविष्य दे सके। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद ने करेला बाग कॉलोनी की मेन रोड पर हनुमान मंदिर में शनि देव महाराज की मूर्ति की स्थापना की और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की। बता दें कि लाजपत प्रखंड के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी बीच नगर पालिका परिषद द्वारकुश की
कुश की नगरी कहे जाने वाले सुल्तानपुर में साफ सफाई से लेकर प्रकाश की व्यवस्था लगातार जारी है। वहीं मार्गों पर बने डिवाइडर के बीच तिरंगी लाइटें लगाई जा रही हैं। साथ ही नगर के वार्डों में भी विकास कार्य तेजी से चल रहा है। आज जो है यहाँ पर दरियापुर तिराहे से लेकर पोस्ट ऑफिस चौराहे तक डिवाइडर के बीच में लगे पोल पर नई ब्रैकेट और लाइट लगाई गई है और स्ट्रीप लाइट तिरंगे की लगाएगी, जिसका आज यहाँ पर विधिवत शुभारंभ हुआ है। और तमाम विकास कार्य की योजनाएं पूर्व से चल रही हैं, जो आज फलीभूत हो रही हैं। और अब 22 तारीख को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शहर को अयोध्या से सटा होने के नाते और भव्य और दिव्य स्वरूप दिया जा रहा है। प्रयागीपुर चौराहे पर ओवर ब्रिज के नीचे विभिन्न प्रकार की पेंटिंग भी वहाँ पर हो रही है। जगह जगह चौराहे सजाए गए हैं, लाइटों का काम आप देख ही रहे हो रहा है, आज प्रकाश में किया गया है। सुल्तानपुर जो कि कुश भवनपुर के नाम से भी जाना जाता है और राम के छोटे पुत्र भगवान कुश की नगरी है, और यहाँ पर रामायण से और रामचंद्र से जुड़े बहुत सारे यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। बहुत पौराणिक स्थल यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि एक है सीता कुंड सुल्तानपुर शहर में ही है, जो बहुत ही अच्छा बहुत ही मनोरम स्थल है। यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता यहाँ पे रुक चुके हैं, राम जब वन में जा रहे थे। तो इसके अलावा यहाँ पे ये एक है धौपाप, जहाँ पे राम जी लक्ष्मण उनका नहीं राम जी रावण का वध करने के बाद जब आए तो इसमें स्नान किए, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। और इसके अलावा विजेथुआ महावीरन है, जहाँ पे कि ये हनुमान जी ने कालनेमी नामक राक्षस का वध किया था, जो कि बहुत ही अच्छा मनोरम स्थल है। और वहाँ पे ये मान्यता है कि जो भी लोग मानते हैं सारी मान्यताएं सबकी पूरी होती हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।